एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरीज वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करा हुआ है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करना, लेकिन आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कल मुझे किसी ने फीडबैक दिया कि दीदी वो जो इमोशंस आप शो करते हो स्टोरी के बीच में वो नहीं हो रहा है, ये स्टोरी काफ़ी फास्ट चल रही है। ऐसा नहीं है, ये स्टोरी मैं शॉर्ट बनाऊंगी, काफ़ी लंबी स्टोरी है और स्टोरी का पार्ट अब शुरू होना शुरू है। कल से आपको समझ में आ गया होगा ये स्टोरी एक ऐसे लोगों की है जो एक रिश्ते में तो बन गए हैं लेकिन उस रिश्ते की कदर कैसे करें, कैसे उस रिश्ते को प्यार करें समझ नहीं सकते हैं। एक मासूम सा 12 साल का वांग जी जिसे पता ही नहीं अल्फ़ा ओमेगा बॉन्ड मेट्स रट हीट्स, उसे आइडिया ही नहीं। और शायद एक शादी जैसा प्योर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे को प्यार करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, वो वाली समझ तो अभी वांग जी में है ही नहीं। किस तरीके से एक कम उम्र की शादी एक रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर सकती है वो भी इस स्टोरी में पता चलेगा। वहीं इसमें आप ये भी देखेंगे एक कमज़ोर ओमेगा होना यानी बिना किसी सोल स्पिरिट के रहना भी इस रिश्ते पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता रही हूँ, इस फैन फिक्शन में विंग के ऑलमोस्ट आई थिंक सोलमेट और वो क्या कहते हैं सोल स्प्रिट के बारे में कोई वो नहीं है। यहाँ कोई नाइनटेल फॉक्स नहीं है विंग, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। शिनचैन अब अपने फादर के रूम से बाहर आके अपने रूम में बैठे हुए हैं लेकिन वो सवाल अभी भी उसके दिमाग से नहीं गया। माना कि उसकी मदर ने विंग के भले के लिए ही सोचा और शायद उसने अपनी मदर के बारे में गलत सोच लिया था, लेकिन ये उम्र का डिफरेंस क्यों, इतना बड़ा उम्र का डिफरेंस आप अवॉइड नहीं कर सकते। विंग अभी 20 साल का है, वहीं वांग जी अभी सिर्फ 12 साल का है। विंग अपनी उम्र के हिसाब से शादी के लिए प्रॉपर प्रिपेयर है और इसी कारण उसके लिए प्रॉपर रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वांग जी वो तो भी सिर्फ 12 साल का बच्चा है जो खुश हो गया शानगा को पनिशमेंट दिला के। खुश हो जाता है जब उसकी कोई तारीफ करता है, कैसे कैसे वो अपने रिश्ते की सम्मान दे पाएगा, और ये डिफरेंस कभी ख़त्म तो होगा नहीं। अगर वांग जी 16 साल का होगा तो उस समय विंग तो 24 साल के करीब का होगा, तो कैसे कैसे इन दोनों के बीच के ये डिफरेंस को अवॉइड मतलब उसकी मदर ने अवॉइड कर दिया, ये बातें शिनचैन के मन में है। इसी कारण वो सोचता है कि इस बार वो ज़रूर एक कदम उठाएगा, वो एक बार विंग को उसकी लाइफ को जीने के लिए चांस देना चाहता है। वो कहीं ना कहीं निमिंजू को लेकर बहुत श्योर है, वो जानता है निमिंजू विंग को बहुत प्यार कर सकते हैं, उसे वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसे वो लाइफ दे सकते हैं जो विंग डिजर्व करता है। इसलिए वो आज अपने पेरेंट्स यानी अपने फादर और अपने अंकल के अगेंस्ट एक एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो नाकार प्रपोजल के लिए ना भेजता ही नहीं है, वो लेटर खुद अपने जिनशी मतलब हांशी में आके जला देता है और कोशिश करता है कि वो पहले विंग को जानने की विंग के मन की इच्छा को समझने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वो एक नया लेटर लिखता है जो कहीं और नहीं बल्कि जियांग्स क्लैन में भेजता है, क्योंकि वो जानता है कि जियांग्स क्लैन में कोई है जो विंग के बहुत क्लोज है और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग यानली है। यानली यहाँ पे कुछ समय पहले कुछ ट्रेनिंग के लिए आई थी। ये सारे लोग एक तरह से लैंड क्लैन में आते हैं कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए, खासकर वो लोग जिनके पास अपनी सोल स्प्रिट्स हैं। ये चाहे वो अल्फा हो ओमेगा हो बीटा हो उससे मतलब नहीं है, ये कुछ 6 महीने के लिए लैंड क्लैन के रूल्स समझने लैंड क्लैन की यहाँ पे आके कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब लोग आगे मिनिस्ट्री की पोजीशंस के लिए एक तरह से एलिजिबल होंगे और उसके लिए इन्हें लैंड क्लैन की रूल्स को समझना, लैंड क्लैन किस तरह से इनका क्लैन काम करता है, इनके क्लैन की क्या क्या एक तरह से इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं वो लोगों को ट्रेन करते हैं, और इसी कारण हर क्लैन के एक तरीके से हायर्स यहाँ पर लैंड क्लैन में कुछ महीने के लिए आके रहते भी हैं। एक बार यानली भी यहाँ आई थी। यानली और विंग की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 साल का ही अंतर है, लेकिन यानली विंग के बहुत क्लोज है। यानली विंग को एक छोटे भाई की तरह मानती है। विंग जो शायद 20 साल का तो है लेकिन उसकी मस्ती उसका दिल उसका बचपन वाला दिल वो भी बहुत छोटा है, इसलिए हमेशा यानली के सामने विंग 3 साल का बेबी बनकर घूमता है, जिसे विंग वांग शिनचैन समझ सकते हैं कि यानली का बॉन्ड विंग के साथ काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए वो इस लेटर को यानली के लिए लिख रहा है, जिसके कारण यानली इस लेटर के मिलते ही वहाँ रुकती नहीं
और वापस जियांग्स मतलब जियांग्स क्लैन से लैंड क्लैन की तरफ चल देती है। वहीं लैंड क्लैन को एक तरीके से फर्स्ट प्रिंस के लेटर के बाद यानली का वहाँ जाना जैन फेमिया और मैडम यू को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। अधिकतर जियांग्स क्लैन में विंग भी 2-3 बार आए, ऑब्वियसली वो यानली के बहुत क्लोज हो गया तो यानली उसे अपने साथ जियांग्स क्लैन भी लेकर आई है। यहाँ पे आके मैडम यू, जैन फेमिया और जंजा भी उससे अच्छे से ही बात करते हैं। एक छोटी सी एक तरह फ्रेंड्स वाला बॉन्ड बन चुका है जियांग्स क्लैन और विंग का, इसलिए जैन फेमिया अभी यानली को जाने से रोकते नहीं हैं। अब यानली खुशी और एक्साइटमेंट में अपने छोटे से भाई, अपने छोटे से दोस्त से मिलने जा रही है। ज़्यादा छोटा तो नहीं, 1 साल छोटा ही सही, पर उसके लिए तो काफ़ी स्पेशल है। वहीं विंग आराम से जब मॉर्निंग में उठता है तो उसे पता चलता है कि आज यानली आ रही है, वो भी स्पेशली उससे मिलने। विंग बहुत खुश होकर आज पूरा दिन अपने घर को साफ करता रहता है। विंग का घर साफ रहना बहुत मुश्किल है और जब सीजे आएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना इतना गंदा घर, इसलिए बेचारा विंग जल्दी जल्दी से सारा घर साफ कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी सीजे उससे मिलने यहीं है। वहीं यानली एक ओमेगा है तो विंग के क्वार्टर में आना, विंग के से मिलना इस क्वार्टर में किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है। अब यानली बहुत प्यार से शाम को जब विंग के क्वार्टर में पहुंचती है तो देखती है विंग ने उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया है। यानली के फेवरेट खाने बनाए हैं, यानली के लिए सब कुछ क्लीन करके रखा है और यानली का वो कितनी बेसब्री से वेट कर रहा है। यानली भी विंग से मिलकर बहुत खुश होती है और बहुत प्यार से विंग को गले लगाती है। क्या बात है आशन, तुमने तो पूरा का पूरा कॉटेज इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। मेरा आशन कब से इतना साफ सुथरा कॉटेज रखने लगा? वैसे तो नहीं रख सकता मैं, पर आप आए रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा मेरी सीजे का। पर मेरे 3 साल के आशन को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे विंग अपनी पूरी प्यारी सी बनी स्माइल देते हुए सीजे की तरफ यानी की तरफ देखता है। अब बोलता है आपके लिए तो आपका भाई कुछ भी कर सकता है, तो ये तो छोटी सी सफाई थी। और आओ बैठो, एक साथ खाना खाते हैं। आपने कुछ नहीं खाया क्या सीजे सुबह से? नहीं मैंने खाया है, पर अभी अपने आशन के साथ खाने का एक अलग ही खुशी है। और वैसे भी मैं तो अपने आशन के लिए उसका फेवरेट लोटस रूट सूप भी तो लाई हूँ। सच्ची आप लाए हो मेरे लिए? वी खुशी और एक्साइटमेंट में जल्दी से यानी के सामान में से वो सूप लेकर सामने बैठ जाता है, जिसे यानी के चेहरे पर स्माइल आती है। अभी बहुत जल्दी जल्दी बहुत खुशी से वो सूप पी रहा है। अब यानी विंग के बिल्कुल पास बैठ के उसके सर पे हाथ फिराती है। अब बोलती है तुम अब बड़े हो गए ना आशन। सीजे मैं कब बड़ा हुआ? मैं तो अभी भी 3 साल का हूँ ना। नहीं अब तुम सचमुच में बड़े हो गए हो। हाँ मेरे लिए तुम हमेशा 3 साल के रहोगे, लेकिन दुनिया के लिए तुम बड़े हो गए हो। और सच कहूँ तो अब तुम्हारे लिए एक नया और एक बड़ा डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। मैं कुछ समझा नहीं सीजे, सच आज मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करवाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी मरी हुई मदर लैंड के बारे में ना सोच के अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचना चाहती होंगी और वो यही चाहती होंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। इस तरीके से इस जबरदस्ती की शादी में मत बंधो। पर सीजे ये जबरदस्ती की शादी नहीं है, मैंने खुद ये शादी की। हाँ मैं जानती हूँ ये शादी तुमने अपनी सोच समझ के अपने मन से डिसीजन लेकर करी है और तुम इस शादी को निभाना भी चाहते हो, लेकिन आशन बाकी कोई इस शादी को नहीं मानता। जिन्होंने ये शादी करवाई थी अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनसे करावा मेरा वादा इस दुनिया में है। मैं तुम्हारे अपनी मदर के प्रति प्यार और समर्पण को समझती हूँ कि तुम अपनी मदर से करे हुए वादे के लिए अब तक जी रहे हो। ये तुम्हारे बालों में बंधा हुआ ये वाइट फोरहेड रिबन इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी? सारी दुनिया के आगे तुम्हारा सबके लिए ये तो एक सिर्फ वाइट रिबन है जो तुम अपने बालों में टाइप करने के लिए बांधते हो, पर मैं जानती हूँ ये वही रिबन है जो तुम्हारी मदर ने तुम्हें उस दिन दिया था जब तुमने शादी के लिए हाँ की थी, जो वो अपने अवांगजी के मेट को देना चाहती थी, अपने सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ को देना चाहती थी। इसी कारण तुम उस शादी के लिए कोई अपने मन से एक्सेप्ट करके इस फोरहेड रिबन को बांधते हो जिसके बारे में शायद कोई और नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। पर भी कब तक भी तुम उस शादी के लिए अपने आप को बर्बाद करते रहोगे? कितना तुम कर चुके हो इस लैंड क्लेन के लिए कोई लैंड क्लेन वाला समझ नहीं सकता। कितने छोटे थे तुम, सिर्फ 11 साल के, जब से तुम वांगजी का ध्यान रखते हो। वो तुमने हमेशा वांगजी को बहुत प्यार और उसका ध्यान रखा है, लेकिन उसके बदले तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी ही शादी को सबके सामने ना एक्सेप्ट करने का डिसीजन। एक बार की गलती को तो भगवान भी माफ़ कर देता है, और इन लैंड क्लैन वालों ने तुम्हारी एक छोटी सी गलती के लिए तुमसे तुम्हारी पहचान छीन ली, तुम्हारे अल्फा से तुम्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो शादी जिसके लिए तुम जी रहे हो उस शादी को सबके सामने इनकार कर दिया। तुम्हें क्या लगता है आशन ये लोग कभी समझेंगे? ये लोग कभी नहीं समझेंगे।
क्योंकि इन लोगों को तुम्हारे समझने की, तुम्हें जानने की इच्छा ही नहीं है। इसलिए तुम्हें अभी एक किस्मत मौका दे रही है। छोड़ दो अपनी ये जिद, क्योंकि अब इस जिद से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय दुख के। अब वो बात सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। जाओ, अपने जीवन को जीने की एक कोशिश करो। तुम निमिंजे से शादी के बारे में सोचो। अब विंग, जो अब तक तुम सर नीचे करके मियाली की बातों के कारण बहुत इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से वो याली की तरफ देख रहा है पूरे शौक में, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी याली आज ये सारी बातें उससे उसकी शादी निमिंजे से करवा दी जाए इसके लिए कर रही है। इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा इमोशनल होता है। और आपको लगता है मैं ऐसा करूँगा? माफ़ कीजिएगा शीजे, मैं ये शादी नहीं करूँगा। पर क्यों आशियन, क्या कमी है निमिंजे में? वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो एक स्ट्रांग अल्फा हैं और इतने ही ज़्यादा केयरिंग भी हैं। ऊपर से वो ज़रूर सख्त दिखते हैं पर अंदर से वो काफ़ी अच्छे हैं। जो भी उनके करीब है वो ये बातें जानता है कि वो जब भी किसी ओमेगा को अपनाएंगे तो पूरे दिल से अपनाएंगे, और वो तुम्हें अपनाना चाहते हैं, तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहते हैं। पर सीजे, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा कि ये मेरी ज़िद है, पर सचमुच में मैं अब किसी और अल्फा से शादी नहीं कर सकता। मेरे लिए ये शादी पहले दिन से ही बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मेरे लिए ये शादी इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, पर मैं इस शादी को एक्सेप्ट करता हूँ। विंग की इस जिद और इस गुस्से को, इस आंखें के पेन को देखकर याली भी अब आगे कुछ नहीं कह पाती। कहीं ना कहीं वो जानती हैं वो और विंग अगर बातें करेंगे तो शायद वो दोनों आज पहली बार लड़ पड़ेंगे, क्योंकि याली को पता है विंग ये बात नहीं मानने जाता। विंग को मनाने की कोशिश करी यानली ने, पर यानली यहाँ आने से पहले ही जानती थी रिजल्ट क्या होगा। जिस तरीके से विंग हमेशा लांजान के आसपास रहता है, इस फोरहेड रिबन को अपने बालों में छुपा के बांधे रखता है, उसे साफ साफ पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं लांजान को ही अपना अल्फा मानता है। यानली ये भी जानती है कि वो चाहे कितनी कोशिश करती पर विंग के डिसीजन को बदल नहीं सकती, इसलिए वो ज़्यादा जिद नहीं करती और टॉपिक चेंज करके विंग से बाकी बातें करने लगती है। जहाँ एक तरफ याली तो यहाँ आने से पहले ही इस डिसीजन के बारे में जानती थी, वहीं दूसरी तरफ शीचैन ऐसा नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वो विंग को एक हैप्पी लाइफ दे सके। कहीं ना कहीं उनके मन में गिल्ट है कि वो उस समय जब ये शादी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ये शादी इनवैलिड है, ये शादी किसी के सामने बताई भी नहीं जाएगी, डिसीजन लिया गया था तो वो चुप थे। उन्हें वो चीज़ अब तक हट होती है। उन्हें लग रहा कि उन्हें एक बार विंग के लिए उस समय सोचना चाहिए था जो उन्होंने नहीं सोचा। इसी कारण अब वो कुछ अच्छा करके विंग की लाइफ में हैप्पीनेस लाने के कारण अभी भी उम्मीद में वहीं खड़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद याली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स विंग से लाएगी। उनके मन में ये होप है, लेकिन उनकी होप शायद अब टूटने वाली है। यानी विंग को अलविदा करके जब बाहर कॉटेज के बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे शिचैन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शिचैन को देख के याली उन्हें प्रॉपर बो करती है, और अब ये दोनों धीरे धीरे चलते हुए महल की तरफ जा रहे हैं। वहीं शिचैन बिना रुके बोलते हैं, क्या कहा विंग ने, क्या क्या उसने एक्सेप्ट किया? आप मुझे बताइए, मैं अभी के अभी एक तरीके से निमिंजे को हाँ में का संदेशा भेज देता हूँ। आप क्यों इतनी बड़ी उम्मीद लगा रहे थे? क्या आप नहीं जानते थे आशियन को? वो कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो? आपने अच्छे से समझाया नहीं क्या? माफ़ कीजिएगा फर्स्ट प्रिंस ऑफ कुसु, बट जो आप चाहते हैं शायद मैं भी वही चाहती थी। विंग की हैप्पीनेस, विंग का कि हर हालत में नहीं मिंजे के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, ऐसी कोशिश तो मैंने भी काफ़ी करी, लेकिन जवाब वही रहा। ये बात बोलने के बाद यानी वहाँ ज़्यादा रुक नहीं पाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। थोड़ा सा उसे गुस्सा भी आया, क्योंकि उसे लगा कि शिचैन ने सोचा कि उसने पूरा एफर्ट नहीं डाला। वहीं शिचैन अब वहीं खड़े हुए हैं और कुछ कर नहीं पाए हैं, ना चाहते हुए भी। जब विंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो विंग के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक फोर्सफुल मैरिज का तो ये रिजल्ट हुआ, कहीं वो विंग के साथ दूसरी फोर्सफुल मैरिज के करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए वो अब अपने दुखी मन से ही निमिंजे को ना भेज देते हैं। उस ना के बाद निमिंजे को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विंग अब रूम में बैठा हुआ है। एक मूनलाइट उसके रूम में आ रही है। उसके हाथ में वही वाइट कलर का रिबन है। इस रिबन में बहुत छोटा सा आगे एक छोटा सा क्लाउड का पैटर्न है सिल्वर में, लेकिन वो बहुत छोटा सा है। दूर से तो ये बिल्कुल प्लेन वाइट रिबन ही लग रहा है। कहीं ना कहीं विंग इस रिबन को देखकर मन में याद कर रहा है
कि कैसे जब उसने ये फर्स्ट टाइम अपने बालों में बांधा था, वो शादी के बाद शायद ये लांजन से ही करवाना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा लांजन तो अभी छोटा है तो वो खुद बांध लेगा। लेकिन इससे पहले उसे अपने माथे पे बांध के लांजन का मेड बन के घूमता, उससे पहले ही ये डिसीजन ले लिया गया। इसलिए उसने ये फोरहेड रिबन अपने फोर हेड पे ना बांध के अपने बालों में बांधना शुरू कर दिया। ये बात सच है कि विंग अभी भी मन से इस शादी को पूरा एफर्ट डालना चाहता है। वो अपने से छोटे 8 साल के छोटे अल्फा के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है, चाहे उसे वो फिजिकली प्यार मिले या ना मिले, पर इमोशनल प्यार, इमोशनल सपोर्ट तो वो लांजान से उम्मीद भी करता है। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि लांजान वो हीट और अटेक साथ स्पेंड करे, पर हाँ वो ये ज़रूर चाहता है कि वो हमेशा लांजान के साथ उसके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहे। वो ये भी चाहता है कि लांजान भी उसके साथ वैसे ही दे। कहीं ना कहीं वो लांजान के प्रति अपने इस प्यारे से छोटे से रिश्ते के लिए एफर्ट फील करता है, क्योंकि रिश्ता ऐसा है, माना एज गैप है लेकिन शादी तो हो ही है ना, और उस रिश्ते को निभाना भी पड़ेगा। विंग यही बातें सोचकर अब अपने बेड पे सोने की कोशिश कर रहा है। नींद तो उसे आने रही पर कोशिश तो वो कर रहा है। वही दूसरी तरफ सबसे अनजान, सबसे नादान, मासूम से लांजान को कुछ पता नहीं कि उसके पीछे उसके ओमेगा को कितना एफर्ट डालना पड़ा है। उसका ओमेगा उसके साथ के लिए कैसे लोगों के सामने उसे किसी और से शादी नहीं करनी, उसे किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना बताना पड़ रहा है। वो तो मज़े से अपनी लाइफ, या ये कह दीजिए अपने रूल्स में बिजी है। वांग जी अपनी मदर के जाने के बाद काफ़ी इफेक्ट हो गया था। कहीं ना कहीं अब वांग जी की सराउंडिंग अधिकतर कुरैन के साथ ही रहती है। कुरैन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वांग जी और विंग एक दूसरे के क्लोज आए, इसलिए वो कोशिश करते रहते हैं कि वो वांग जी को विंग से दूर रख सके। इसलिए बहुत ही कम होता है जब वो वांग जी को विंग के आसपास जाने देते हैं। लेकिन हाँ, वो विंग से वांग जी को बिल्कुल रोक भी नहीं सकते हैं। शायद चिंगेजुन को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी और शिचैन को, क्योंकि वो ऑलरेडी कुरैन के कहने पे ये तो मान चुके हैं कि वो इन दोनों की शादी को कहीं अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ तो नहीं कर सकते ना कि उसके ओमेगा से बिल्कुल उसे मिलने ही ना दे। वांग जी एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, लेकिन कुरैन की नज़रें हमेशा इन दोनों के ऊपर रहती है। अब मॉर्निंग में विंग दोबारा से स्माइल करता हुआ वांग जी के पास पहुंच जाता है, उसे थोड़ा तंग करने या सच कहे उससे मिलने। वहीं वांग जी चाहे ऊपर से कितना दिखाए कि उसके शेनगा बिल्कुल शेमलेस हैं, उसकी बातें नहीं मानते, पर अंदर से उसे भी अच्छा लगता है उसके शेनगा का साथ। वांग जी और विंग आज भी लाइब्रेरी में किसी काम में बिजी हैं, जहाँ पे वांग जी बिजी है अपने एक तरीके से पढ़ाई में, वहीं विंग बिजी है वांग जी को थोड़ा तंग करने में और लाइब्रेरी के थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने में। आज शिचैन विंग के पास दोबारा आते हैं। कहीं ना कहीं विंग की पढ़ाई हो चुकी है जितनी उसे पढ़नी थी, और अब वो विंग हमेशा ऐसे ही वांग जी के आसपास रहेगा तो उसके मन में कहीं उम्मीद रहेगी, और ऊपर से कुरैन भी हमेशा उसे डांटते पनिशमेंट देते रहेंगे। इसलिए शिचैन ने आज एक डिसीजन लिया है। आज शिचैन विंग को अपने ही साथ काम जॉब एक तरह से काम में लगा देते हैं, वो सबके सामने, यहाँ तक कि कुरैन और चिंगेजुन के सामने ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं और चिंगेजुन ने उन्हें परमिशन दे दी। अब विंग उनका स्पेशल असिस्टेंट या स्पेशल एडवाइज़र बन के रहा करेगा, यानी वो उसके साथ शिचैन के साथ ही काम करा करेगा। इस तरीके से विंग थोड़ा सा काम में इन्वॉल्व होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, तो शायद वो वांग जी की तरफ से अपना ध्यान भी हटा पाएगा। और शिचैन ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा विंग वांग जी से दूर रहे, तभी वो अपने बारे में सोच पाएगा, तभी वो इस रिश्ते से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आज वो विंग के पास आके उससे कहते हैं कि आगे से वो विंग के साथ ही काम, मतलब विंग उनके साथ ही काम करा करेगा। विंग को अच्छा लगता है कि उसे लैंडक्लैन के अंदर इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। उसे अच्छा लगता है कि लैंडक्लैन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक पोजीशन दी जा रही है, जो कि विंग के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। इसे विंग खुशी से वो चीज़ एक्सेप्ट करता है। अब एक नई तरह का विंग का टाइम स्टार्ट हो गया। अब विंग सुबह से शाम तक शिचैन के साथ ही सारी अरेंजमेंट करता है। विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, शिचैन जानते हैं, इसी कारण उनके साथ एक तरह से होता है ना, पूरा का पूरा उनको इंपीरियर है, उनका पूरा का पूरा एक कल्टिवेशन वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री देखनी होती है, और शिचैन अपने फादर की हेल्प करता है और अब उनकी हेल्प विंग कर रहे हैं। विंग भी बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं। वहीं विंग इस पूरे टाइम में भी वांग जी को नहीं भूलता है। वो अधिकतर अभी भी अपने लंच टाइम में, अपने ब्रेकफास्ट टाइम में, और अधिकतर सोने से पहले वांग जी से मिलने ज़रूर जाता है।
कहीं ना कहीं शिचैन के साथ भी वो इन्वॉल्व है, ये बात सही है। तो शायद पहले की तरह वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में तो नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ वो वांगजी को वो प्यार और इम्पोर्टेंस अभी भी दे रहा है जो वो पहले दिया करता था, जो एक तरीके से वांगजी को अच्छा भी लगता है। धीरे धीरे शिचैन का एक तरीके से विंग के क्लोज आना बाकी लैंडलाइन के लोगों को कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस शादी के बारे में जानते भी नहीं, सिर्फ कुछ सीनियर्स जिनके सामने इमरजेंसी में ही शादी हुई थी कुरैन और एक तरह से शिचैन ही जानते हैं, बाकी सब लोग नहीं जानते। उनके लिए तो विंग एक ओमेगा है जो यहाँ पे अडॉप्ट करके लाए थे चिंगेजुन और उन्हें यहाँ पे रहता था, तो वो एक उनके फर्स्ट प्रिंस के इतने क्लोज है कि पूरे दिन वो लोग साथ में रहते हैं, काम करते हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है। इन दोनों का रियल में एक बहुत अच्छा ब्रदर वाला बॉन्ड है, माना कि ये एक अल्फ़ा और एक ओमेगा है, लेकिन अल्फ़ा और ओमेगा भी तो दोस्त हो सकते हैं, अल्फ़ा और ओमेगा में भी तो एक रिलेशनशिप हो सकता है, और ये रिलेशनशिप तो बहुत प्योर है क्योंकि शिचैन विंग को अपने छोटे भाई की तरह ही मानते हैं, ऊपर से वो विंग की हैप्पीनेस को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को ये रिश्ता कुछ गलत लग रहा है। शुरुआत में चिंगेजुन ने उन लोगों की डांट भी लगाई, वहीं आसपास में जब ये खबरें पहुंची कि किस तरीके से एक मतलब विंग जो ओमेगा वी वुशान है वो अब रिस्पॉन्सिबल हो गया है शिचैन के साथ, जो मतलब एक नई पोजिशन पर उसे दे गई है, तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा, जिनमें से एक जिनक्लैन का मिंग्याओ था। मिंग्याओ जो एक टू टेल फॉक्स है और साथ में एक ओमेगा भी है, वो हमेशा से अब क्वीन की पोजीशन लेना चाहता था। उसकी स्पोक एक तरह से सोल स्प्रिट काफ़ी स्ट्रांग है, कहा जाता है नाइन टेल फॉक्स और फॉक्स की सोल स्प्रिट स्ट्रांग होती है, अधिकतर नाइन टेल फॉक्स भी मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या बहुत कम ही सोल स्प्रिट्स मिली हैं नाइन टेल फॉक्स की, लेकिन हाँ टू टेल, फोर टेल, फाइव टेल, सिक्स टेल्स, इस तरह के टेल्स, एक्स्ट्रा टेल्स वाले फॉक्स स्प्रिट्स को भी लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। अभी तक पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक तरह से मिंग्याओ ही है जो टू टेल फॉक्स स्प्रिट है, उससे बड़ा अभी कोई और नहीं है, यानी कोई और थ्री टेल या फोर टेल वाला भी नहीं है। तो मिंग्याओ के इस मतलब स्ट्रॉन्ग सोल स्प्रिट की वजह से उसे उम्मीद थी कि उसे लैंडलाइन के लोग ज़्यादा एडमायर करेंगे, उसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन मिल सकती है उसके फादर के, क्योंकि उसके जब फादर ने ये चीज़ बताया था कि मेरा ओमेगा टू टेल है, तो उसके बाद लैंडलाइन ने उसके फादर को एक अच्छी पोजीशन भी दे दी थी, तो कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो शिचैन के क्लोज रह सकता है, वो शिचैन का मेड बन सकता है। लेकिन एक स्ट्रेंजर ओमेगा जिसके पास कोई सोल स्प्रिट भी नहीं है, वो शिचैन के इतना क्लोज है कि वो पूरा दिन शिचैन के साथ रहता है, ये चीज़ मिंग्याओ को बहुत गुस्सा दिलाती है। इसलिए मिंग्याओ अब हर हालत में लैंडलाइन में जाना चाहता है और इसके लिए उसने अपने फादर और से पूरा जोर लगवा लिया। वहीं उसके फादर अपनी चमचागिरी में कुरैन को मना लेते हैं। अब मिंग्याओ भी अब महल में एक छोटी सी पोजीशन कैरी करता है, वो अपने फादर के साथ डेली अब आता है, जिस तरीके से असिस्टेंट या हेल्पर बन के आते हैं उस तरीके से वो भी अब डेली मिनिस्ट्री के काम के कारण महल में आता है और अधिकतर वो शिचैन से मिलने की कोशिश भी करता रहता है। कई बार उसने शिचैन से प्यार भी करने की कोशिश की। शिचैन का नेचर जो अच्छा भी है और वो सारे मिनिस्ट्री के लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। धीरे धीरे मिंग्याओ शिचैन से बात तो करता है, लेकिन शिचैन ज़्यादा उसे भाव नहीं देते हैं। शिचैन के पास ऑलरेडी बहुत काम है और जिससे मिंग्याओ को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि शिचैन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे नहीं देते जितनी ज़्यादा वो विंग को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में विंग के लिए एक अजीब सा गुस्सा और नफरत आ गया। वहीं कुरैन को भी एक मौका मिल गया है, अधिकतर अब वांगजी के कानों में भी ये बातें पहुँचने लगी हैं कि कैसे विंग और एक तरह से शिचैन एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वांगजी जो नहीं जानता, उस शादी के बारे में उसे याद नहीं है, उसे भी लगता है क्या विंग का और शिचैन का एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये बात जब वांगजी के दिमाग में आती है तो उसे कुछ अच्छा सा फील नहीं होता, उसके अल्फा को शायद ये अच्छा फील नहीं होता, उसे थोड़ा अजीब लगता है, उसे ये चीज़ इमेजिन करने में थोड़ा बुरा लग रहा है। अब उसकी एज भी थोड़ी बढ़ गई है, वो करीबन 13-14 साल के करीब आ गया है, अब उसे चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं और उसे पहली बार एक बहुत अजीब सी जेलेसी फील होती है। उसे बुरा लगता है कि उसके शिचैन गा और विंग का क्लोज आना, कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ अभी सिर्फ गुस्सा दिला रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो मतलब उसके शिचैन का और अच्छा मतलब एक तरीके से ओमेगा डिज़र्व करते हैं, सोल स्प्रिट डिज़र्व करते हैं जो लोग बोल रहे हैं, पर असलियत में वो इस वजह से जेलस है क्योंकि उसके शिचैन का नाम गागा का नाम विंग से जुड़ रहा है। वहीं वांगजी के मन में विंग के लिए थोड़ा गुस्सा भी बढ़ रहा है, कारण है उसके सराउंडिंग के लोग जो हमेशा विंग के बारे में उसे गलत ही सिखाते हैं, गलत ही बोलते हैं। कहते हैं ना बार बार झूठ बोला जाए तो एक बार वो सच पे भी भारी पड़ जाता है।
कारण यही होता है कि एक जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को के बारे में किसी दूसरे इंसान के दिमाग में रिपीट किया जाएगा तो उसे भरोसा हो ही जाएगा। जैसा अभी रामवांग जी के साथ हो रहा है, कुरैन और बाकी सबका ये कहना कि विंग एक करेक्टरलेस ओमेगा है, उसे सिर्फ कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन का अल्फा चाहिए ताकि वो अच्छी लाइफ बिता सके। एक बिना सोल स्पिरिट का कमज़ोर ओमेगा जिसे एक स्ट्रॉन्ग अल्फा चाहिए अपनी एक लग्जरियस एक अपनी अच्छी लाइफ के लिए। और शायद कहीं ना कहीं ये बातें विंग और वांग जी के बीच में थोड़ी दूरी भी ला रहे हैं। अविंग को भी महसूस हो रहा है कि लांजान उसे पहले की तरह ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, अधिकतर उससे गुस्सा ही रहता है। वो गुस्सा विंग को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, शायद वो गुस्सा वांग जी को समझ नहीं आ रहा है। वो गुस्सा किस पे है? क्या वो विंग पे गुस्सा है या उन लोगों पे गुस्सा है जो विंग के बारे में गलत बोलते हैं, या इस दिल पे गुस्सा है? इसमें दर्द होता है, जेलसी होती है जब कोई उसके विंग के बारे में या उसके विंग गगा के बारे में किसी और अल्फा का नाम जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं विंग के प्रति वांग जी के मन में जो ये अजीब सी नई सी फीलिंग आ रही है वो उससे भी गुस्सा है। कहीं ना कहीं वांग जी अब विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उस चीज़ पे भी उसे गुस्सा है। विंग जो अभी तो अपने छोटे से गुस्से से वाले लांजान से सिर्फ प्यार और छेड़ना ही जानता है, बिना ये सोचे और समझे कि उसके लांजान के दिल और दिमाग में क्या मुसीबतें क्या वॉर चल रही है। वहीं आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है। ये मीटिंग स्पेशली इसलिए की जा रही है क्योंकि अब मिनिस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंज किया जा रहा है। सबसे बड़ा चेंज तो ये किया जा रहा है कि पुराने जो सेक्ट लीडर्स या एक तरह से क्लैन लीडर्स थे वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री में अपने अपने सन्स को अपने अपने हायर्स को वो पोजीशंस देना चाहते हैं। कई साल से जैसे नीमिंजे भी महल में आकर अपने फादर को असिस्ट कर रहे थे, वैसे ही जिन वानशान को असिस्ट जिन मिंग्याओ कर रहा था, यानली अपने फादर को असिस्ट कर रही थी, वहीं जंजा भी अपने फादर को असिस्ट कर रहा था। इस फैन फिक्शन में जंशा वांग जी से 2 साल बड़ा है पर विंग से 4 साल छोटा है। वहीं बाकी सब लोग भी इस तरीके से मतलब नई मिनिस्ट्री में आ रहे थे, बहुत सारे नए नए बच्चे भी आ रहे थे। इसी कारण आज चिंगेजू ने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है। मीटिंग की शुरुआत में ही चिंगेजू सबको नई नई मिनिस्ट्री और कौन उस मिनिस्ट्री को हैंडल करेगा वो बताना शुरू करते हैं। शुरुआत जियांग्स क्लैन में होती है। ऑब्वियसली जियांग्स क्लैन इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है और जियांग्स क्लैन से लैन क्लैन एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है और वैसे भी उन दोनों की काफ़ी पुराना एक तरह से अच्छी समधि भी है। असली सबसे बड़ी पोजीशन जियांग्स क्लैन को ही दी जाती है। जियांग्स क्लैन को 2 बड़ी मिनिस्ट्री दी जाती है, फाइनेंस एंड फूड मिनिस्ट्री। वहीं दूसरी तरफ जीन क्लैन को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक अच्छी पोजीशन मिलेगी जी, पर ऐसा नहीं होता। बल्कि सेकेंड नंबर पे जिसे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री दी गई है या 2 मिनिस्ट्री दी गई हैं वो निकले निकलता है। निमिंजे ने अपनी बहुत अच्छी इमेज सबके सामने मेंटेन करी हुई है और किंगेजुन और बाकी सारे लोग भी उनके काम से इंप्रेस्ड हैं, इसलिए उन्हें 2 बड़ी मिनिस्ट्री वॉर एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री दी गई है। सेफ्टी मिनिस्ट्री में उन्हें महल के सेफ्टी और जितने भी एक तरह से लोग हैं उनकी मिनिस्टर्स के घरों की सेफ्टी भी उसमें आती है। वहीं जिन क्लैन को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिली है जिससे जिन गोनशान और मिंग्याओ बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी, बाकी सबको भी छोटी छोटी जैसे कि शु क्लैन को भी और मु क्लैन को भी दिया गया है। लेकिन जिन क्लैन सोच रहा था कि इस बार शायद वो एक तरीके से हमारे जिन मिंग्याओ अपने आपको अच्छी पोजीशन पर ले जा सकते हैं क्योंकि लोगों की नज़रों में उसने बहुत अच्छी इमेज बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता जिसके कारण जिन मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है। उसका गुस्सा थोड़ा तब भी बढ़ जाता है जब पता चलता है कि इस बार मिनिस्ट्री की पोजीशन देने का काम में चिंगेजुन की मदद उन्हीं के बड़े बेटे यानी फर्स्ट हायर ऑफ गोसू लान शिचैन ने करी है। शिचैन ने उनकी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है मिंग्याओ। मिंग्याओ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जब शिचैन से बात करने जा ही रहा था तो वो निमिंजे और शिचैन की बातें सुनता है। निमिंजे अब बड़ी खुशी से शिचैन से बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच फर्स्ट प्रिंस ऑफ गोसू, आपने हमें इतनी रिस्पॉन्सिबल समझा और मेरी हमारी पोजीशन को अपडेट किया। आप डिज़र्व करते हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपको ये पोजीशन मिली। वैसे मैं आज आपसे सिर्फ आप धन्यवाद करने नहीं आया बल्कि फिर से अपना पुराना प्रपोजल देने आया। मैं जानता हूँ कि वी वुशान की अभी तक किसी और अल्फा के साथ शादी तय नहीं हुई है, इसलिए क्या एक बार दोबारा मेरे प्रपोजल के बारे में सोच सकते हैं? दोबारा से निमिंजे विंग के लिए एक बार और रिश्ता दे रहे हैं। ये देखकर शिचैन काफ़ी शॉक होते हैं। 2 साल हो गए हैं
जब पहले शिचैन मतलब एक तरह से निमिंजे ने ये रिश्ता भेजा था, लेकिन 2 साल से निमिंजे ने भी किसी और से अभी शादी नहीं करी है और अभी भी वो विंग को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और विंग के लिए दोबारा रिश्ता भेज रहे हैं। इसी से शिचैन के चेहरे पर हल्की सी खुशी होती है। वहीं पीछे खड़े हुए विंग्याओ के चेहरे पर भी एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और आज का पार्ट यही रुकता है। आपको क्या लगता है इस बार फिर से 2 साल बाद जो निमिंजे ने किया है उसका क्या रिजल्ट रहेगा और बार बार क्यों निमिंजे का रिश्ता इस स्टोरी में आ रहा है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये फैनफिक्शन अच्छा लगे, जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, थोड़ा सा मुझे बताया कीजिए कि आप मेरी स्टोरी के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।